नमस्कार, आप सबका साई वाणी में स्वागत करता हूं। मुझे बड़ी खुशी होती है आप सबसे वार्तालाप करते समय और साई बाबा का संदेशा आप तक पहुंचने के लिए। माध्यम के विचारधारा आस्था चैनल को मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूं कि आप ही के माध्यम से साई बाबा के पूरे जगत और विश्व के भक्त साई वाणी को सुन रहे हैं। सच में आध्यात्मिक शक्ति है। भारत देश एक महान देश कहा है, क्योंकि ये बुद्धों का देश है, ये महावीर का देश है, ये जीसस का देश है, ये कर्मवीर भौरव पाटिल का देश है, महाराष्ट्र के संत है, महाराष्ट्र संत और शूरों की भूमि है, ये महात्मा गांधी जी का देश है, ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का देश है, ये भाईचारे का देश है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कितना हमारा भारत देश सुंदर है, सुजलाम सुफलाम देश है। मैं बहुत बहुत ही धन्यवाद हूँ, मैं इस देश में जन्म लिया हूं और मैं इस साईं बाबा की भूमि से हूं। भाई और बहनों, हम कौन से देश में जन्मते हैं यह हमारे लिए बहुत बड़ा महत् कार्य होता है। देवभूमि कहा जाता है हमारे देश को, इसीलिए तो अमेरिका से लेके पूरे विदेश के उद्योजक और महान व्यावसायिक लोग भी हमारे देश में आके गए, वहां के लोगों से, यहाँ के महाराजों से और संतों से आशीर्वाद लेके अपने कार्य को उन्होंने आगे बढ़ा। मैं हमेशा कहता हूँ आत्मा और परमात्मा की बातें तो होती रहेगी, बट राष्ट्र को निर्माण करने की क्षमता हमारे देश में है और सांस्कृतिक जगत में योग और माध्यम से भारत देश को कोई रोक नहीं सकता। और इसी विचारधारा से प्रति हमारे देश में साईं बाबा ने हमें सबको क्रांति दी है। साईं वाणी को मैं श्रद्धा और सबूरी के साथ सबका मालिक एक इस विचारधारा के प्रति कटिबद्ध होके हम सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हमने तरक्की की है पूरे विश्व में। जाके अगर आप देखोगे तो भारत में विविधता है और इसी विविधताओं में अनेक भाषाओं के लोग हमारे देश में बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। सबका मालिक एक है। कोई कौन से भी भगवान को माने तो अपने अंदर के परमात्मा को जगाने की ताकत होनी चाहिए। और मैं इंसान को ही भगवान कहता हूं, मानवता को ही धर्म कहता हूं, और मेरे मानवता की सेवा ही मेरा परमोच्च धर्म है। यही तो साईं बाबा का साईं वाणी का संदेशा है। हर बीज को हम अच्छी तरह से अगर बोओगे तो उससे पेड़ बनेगा और फिर धरती में हरियाली होगी। अगर वही बीज सड़ जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये क्रांति बहुत महत्वपूर्ण क्रांति है भाई और बहनों। मैं व्यवहारिक भाषा को पहले बताना चाहता हूं। एक नौजवान लड़का 15-16 साल का होता है और वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मुझे व्यापार करना है। पिताजी कहते, बेटा तू व्यापार जरूर कर, लेकिन एक बात सुन ले, मैं कुछ परीक्षाएं लूंगा, वो परीक्षाओं तू पार कर ले और फिर व्यापार करने की सोच। 15 साल का नौजवान लड़का बड़े जोश में कहता है और उसका होश भी बहुत ठिकाने पे होता है। पिताजी का आशीर्वाद लेके, पिताजी से परमिशन लेके, अनुमति लेके करना चाहता है। क्या करना चाहता है? व्यापार करना चाहता है, उद्यम करना चाहता है, खुद की तरक्की करना चाहता है। पिताजी बोलते, कोई बात नहीं, कल सुबह आ जा। कल सुबह 6 बजे वो जल्दी उठ के अपने पिताजी का आशीर्वाद लेके पिताजी को बोलता है, प्रणाम पिताजी, आप आदेश करें और आपकी तीनों परीक्षाएं पास करके मैं व्यापार करना चाहता हूं। 15 साल का लड़का, ठीक से समझ लीजिएगा। और अपने पिताजी के पास जाता और कहता है, पिताजी आप बताइए, आप आदेश करिए। पिताजी कहते, बेटा एक छोटा सा शर्ट लेते, उसको टी शर्ट, और बोलते ये ले और बाजार में जाके इसको $20 में बेच के आ। वो लेता है हाथ में, सोचता है ये तो $2 का टी शर्ट है, मैं 20 में कैसे बेचूं। बट पिताजी ने कहा रहता है और बोलते हैं कि ये जब परीक्षाएं पास करेंगे तो ही मैं व्यापार कर सकता हूँ। खुशी में सोचता है, उसको अच्छी तरह से धोता है, प्रेस करता है और बाजार में जाके उसको बहुत कोशिश करके, मेहनत करके 20 रुपए में बेच के आता है और 20 रुपए अपने पिताजी के हाथ में देते हैं। पिताजी बोलते हैं, बहुत अच्छा काम किया बेटा, पहले काम तूने अच्छा किया है, 10 दिन के बाद वापस आ जा। 10 दिन वो बहुत खुश रहता है। 10 दिन के बाद वापस अपने पिताजी के पास जाता है और पिताजी को प्रणाम करता है, प्रणाम पिताजी बोलिए। पिताजी कहते, बेटा अभी ये इसी प्रकार का टी शर्ट उसको देते और बोलते, ले टी शर्ट, अभी जा $200 में इसको बेच के आ। बेटा थोड़ा सा नाराज हो जाता है कि मैंने 20 रुपए को बहुत मेहनत करके बेचा था, मैं अभी 200 में कैसे बेचूं, बट करना तो पड़ता होता है। उसी प्रकार लोग बोलते ना कि अभी आया है तो करना है, तो मेहनत करके लगता है काम पे, बट 2-3 दिन सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। हमने क्या हमारे जीवन में अलग अलग आइडियाज को अपनाते हैं? उसी प्रकार उसके दिमाग में आइडिया आ जाता है। लोग बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो आइडिया तो चाहिए। किसी ने सोचा था इतना टेक्नोलॉजी का जमाना आएगा, घर बैठे हर चीजें मिलेंगी?
पहले तो हम दुकान में जाते थे, कपड़े दिन भर देखते थे, फिर शाम को एक ड्रेस खरीदते थे। अभी लोग ऑनलाइन 5 मिनट में खरीदते हैं, दूसरे दिन तो हमारे घर में अपना कपड़ा मिल जाता है। कहीं से भी कितनी तरक्की की है विज्ञान ने। फिर आप ठीक से समझिए, उस वो लड़का 2-3 दिन सोचने के बाद उस शर्ट पे ऊपर एक एम्ब्रॉयडरी बनाता है अच्छी तरह से, और मिकी माउस बनाता है उसके ऊपर, और फिर उसको धोके प्रेस करके एक स्कूल के सामने जाके ऐसा खड़ा होता है। फिर एक छोटी सी बच्ची अपने पिताजी के साथ जाती है, वहां से गुजरती है तो देखती है, पापा पापा उसमें एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है, मुझे वो टी शर्ट खरीदना है। क्योंकि एम्ब्रॉयडरी के कारण वो बच्ची का ध्यान उस शर्ट के ऊपर जाता है, और फिर वो रोने लगती है तो उसके पिताजी इससे 200 रुपए में वो टी शर्ट खरीद लेते हैं। फिर वो वापस घर आता है, बोलता है, पिताजी मैंने टी शर्ट $200 में बेच दिया है, ये लीजिए पैसे। खुश हो जाता है। पिताजी बोलते, बेटा कोई बात नहीं, बहुत अच्छा काम किया है, अब एक आखिरी तेरी मैं परीक्षा लूंगा, अब 10 दिन के बाद आ जाना। 10 दिन के बाद फिर से वो अपने बहुत खुशी से अपने पिताजी के पास जाता है। पिताजी बोलते, बेटा ये आखिरी काम है, तू अभी तक के मुकाम पार कर चुका है, अभी तुझे आखिरी काम करना है। और उसको टी शर्ट देते और बोलते, जा बेटा इसको सिर्फ लास्ट में आखिरी ये काम पूरा कर गया, 2000 रुपए में इसको बेच गया। वो हाथ में लेता है, अभी 2000 बोला तो उसकी तो मतलब पूरी दिमाग की मतलब बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, और सीधा कैलिफोर्निया चला जाता है। कैलिफोर्निया में 8-10 दिन 20 दिन घूमता है इधर उधर, उसको कुछ नहीं सूझता है। 21वें दिन वो देखता है एक मॉल के बाहर छोटी सी एक अखबार में एड देखता है, पेपर में, एक न्यूज़पेपर में इत्यार होता है कि यहां माइकल जैक्सन का गाने का प्रोग्राम है, गाने का कॉन्सर्ट है, गाने का शो है। और उस शो में वो फिर टिकट निकाल के चला जाता है। जैसे ही टिकट निकाल के अंदर चला जाता है, बहुत भीड़ होती है, सब लोग नाचते हैं, माइकल जैक्सन डांस करता है, वो बहुत खुशी से झूम उठता है। और आखिरी में सिक्योरिटी को थोड़ा सा साइड करके वो लड़का माइकल जैक्सन तक पहुंचता है, और मार्कर पेन से उस टी शर्ट के ऊपर उनकी साइन लेता है और एक फोटो खिंचवाता है। और जैसे ही फोटो खिंचवाता है, वो टी शर्ट और फोटो और वो साइन किया हुआ टी शर्ट लेके न्यू जर्सी में चला जाता है। और न्यू जर्सी में एक मॉल वाले को बोलता है, देख ये प्रसिद्ध पॉप सिंगर माइकल जैक्सन की साइन है, इस साइन को मैं एक माइकल जैक्सन से पास जाके ला, इसका फोटो है, और फिर मैं इसकी नीलामी करना चाहता हूं, मैं ऑक्शन करना चाहता हूं। और फिर वो टी शर्ट को लेके वो बोर्ड लगा देते कि संडे के दिन आप आइए, माइकल जैक्सन ने साइन किए हुए टी शर्ट का हम ऑक्शन कर रहे हैं। और बोली लगी जाती है $5000 से लेके, आखिरी में माइकल जैक्सन का फैन $50,000 में वो टी शर्ट खरीद लेता है। और वो टी शर्ट लेके 50,000 रुपए का DD लेके वो बंदा अपने पिताजी के पास आता है, बोलता है, पापा जी, माता पिता शास्त्र एवं गुरुजनों का आदर करने वाला चीर आदरणीय बन जाता है। माता पिता शास्त्र एवं गुरुजनों का आदर करने वाला चीर आदरणीय बन जाता है। और पिताजी को बोलता है, पिताजी ये टी शर्ट मैंने $50,000 में बेच दिया। उसी प्रकार साई बाबा अपने भक्तों को, अगर भक्त 2000 मांगता है तो बाबा 50,000 देते हैं, बट कब देते हैं, जब भक्त मेहनत करेगा। अरे भाई, दूध में भी घी भी है, दूध में कड़ भी है, छाछ भी है, तूप भी है, और कुछ भी नहीं हुआ तो पनीर भी हो सकता है, और वही दूध खराब हुआ तो फेंक के देना पड़ता है। यही तो जिंदगी है, अपने जिंदगी में सब कुछ है, हम जिंदगी को किस तरह से मना रहे हैं। जो आसानी से जीना चाहते हैं वो नौकरी करते हैं, जो थोड़ा और मेहनत करना चाहते हैं व्यापार करते हैं, और जो बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं वो कलाकार बन जाते हैं, अपने अपने क्षेत्र में माहिर बन जाते हैं, उनकी प्रतिभा को वो चंद्र सूरज है तब तक निर्मित करते हैं, क्रांति करते हैं। और यही क्रांति एक जीवन की क्रांति होती है भाई और बहनों। ये विचारधारा कोई ऐसी तैसी विचारधारा नहीं है, ये विचारधारा एक संस्कारों की विचारधारा है, कार्यों की विचारधारा है, प्रेरणा की विचारधारा है, और समाज की विचारधारा है। इस बात को मैं सलाम करता हूं, और तह नजर पे आपको सलाम करके आगे की बात कहने जा रहा हूं। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए, यही संकल्प तो होती है, लेकिन समस्याएं बहुत बहुत बड़ी समस्याएं हैं। लोग आपस में ही झगड़ रहे हैं, लोग किसी दूसरे से झगड़ नहीं रहे, अपने खुद से ही झगड़ रहे। एक बार एक इंसान बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा महल होता है, और महल में उसकी खेती होती है, बाजू में महल के बिल्कुल बगल में उसकी खेती होती है, और वो
उसकी एक शिकायत होती है कि रात को 2 बजे कोई आता है और उसके खेती को पूरा रहस तहस कर देता है। उसका तो बहुत बड़ा कंपाउंड होता है, कंपाउंड के बाहर सिक्योरिटी होती है, पर समझ में नहीं आता कि कौन आता है और उसके पौधे फूल तोड़ता है, इधर उधर फेंक देता है। बहुत बार एक 15-20 दिन ऐसा होता है तो सब परेशान होते हैं और फिर वो एक बड़े सूफी संत के पास जाता है कि शायद संत है तो ध्यान में समझ जाएंगे। तो संत के पास जाता है और संत को बोलता है, प्रणाम गुरुदेव, मैं मेरी राजमहल के बाजू में जो बगीचा है उसमें मैंने पेड़ पौधे लगाए हैं और कोई रात को 2-3 बजे आता है और मेरे यहाँ मेरे पूरे पेड़ों को पौधों को तोड़ देता है, तहस नहस कर देता है, इधर उसको बिखरा देता है, कौन है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने बहुत कोशिश की बट अभी तक कोई समझ में नहीं आ रहा है। वो सूफी संत हंसते और बोलते, एक काम कर, तू रात के 2 बजे का अलार्म लगा दे। बोलते, उसे क्या होगा, मैं जो कह रहा हूं वो कर। देखो, गुरु को कभी ना क्रॉस नहीं करना चाहिए, गुरु के हर बात पे भरोसा रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए आप सोचो, लेकिन गुरु अगर कुछ बोलते कुछ बताते ना तो उसके ऊपर कभी शंका मत लेना। वो गुरु कहता है कि तू ऐसा कर ले, सूफी संत होते महान संत होते ज्ञानी होते योगी होते महापुरुष होते हो, तो ये अभी सोचता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, फिर वो रात को 2 बजे का अलार्म लगा देता है और रात को 2 बजे वो उठ जाता है और उठ के देखता है तो खुद ही अपने जो बगीचा है उसमें पौधे को तोड़ रहा होता है। देखो समझो, दूसरा कोई नहीं आता था उसका बगीचा तोड़ने के लिए, वो खुद ही अपना बगीचा तोड़ रहा था, पेड़ पौधे तोड़ रहा था, क्योंकि वो ऐसा ही कर रहा था। यही तो हम कर रहे हैं, हमारे जीवन में जो दुख हो रहा है जो समस्या आ रही है हम खुद वही है। वो कभी ना कभी लगता है ना कि वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, तो आपने कैसा व्यवहार किया उसके साथ पहले? मेरे परम मित्र है, बहुत मुझे मार्गदर्शन करते, हमेशा बोलते और वो कहते हैं कि सुनील जी, चक्र फिरता रहता है, घूमता रहता है, वो वापस अपने ऊपर जरूर आएगा। जो बोया है वो उगने वाला है, उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कबीरा कहे, इसलिए मैं कबीरा का एक कहना चाहता हूं। कबीर महाराज ने बहुत अच्छी तरह से सरलता के साथ बोला है, क्योंकि कबीर महाराज महान महाराज थे। वो एक सर्वसामान्य परिवार से जन्मे हुए थे। कृष्ण एक राजा के घर में जन्मे थे, महावीर एक राजा के घर में जन्मे थे, गौतम बुद्ध एक राजा के घर में जन्मे थे, लेकिन कबीर एक सर्वसामान्य मिडिल क्लास फैमिली में जन्मा हुआ इंसान एक भगवान बन गया था अपने कार्य से। और वैसे हमारे महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज जी भी है, जो अपना संसार करते करते अपना कार्य कर रहे थे और उन्होंने आज जो तुकाराम जी की गाथा लिखी है उनके ऊपर माथा रख से ही अपना गाथा ठीक हो जाता है। इसी प्रकार कबीरा लोहा एक है, गड्ढे में है फेर, ताही का बख्तर बने ताही की शमशेर। लोहा धातु से तलवार भी बनता है और बख्तर भी। ठीक से समझो, आप एक विध्वंसक भी हो सकते हैं और एक रक्षक भी, यही आप पर निर्भर है। आप क्या बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो आप अपने जीवन में? अमेरिका का उदाहरण मैंने अभी व्यापार का दिया, उसी प्रकार मैंने उदाहरण दिया है ओसामा बिन लादेन एंड ओबामा। उसी अमेरिका में एक इंजीनियर ओसामा बिन लादेन बहुत बड़ा दहशतवादी बन गया और एक ओबामा एक राष्ट्राध्यक्ष बन गए। अपने जीवन में है भाई, हम क्या बनना चाहते हैं? मैं इसलिए आपको कर्म का सिद्धांत कहना चाहता हूं जो भगवत गीता में कहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युस्वा मामका पांडव अक्षय कुमकुरुवत्त संजया। हे संजय, मुझे बता दे उसमें क्या चल रहा है युद्ध में? कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। कर्म सरल है, विचार कठिन। अपने काम में सुंदरता तलाशो, उससे सुंदर और कुछ ही और नहीं हो सकता। अपना कर्म, अपना कार्य को ही अपना लो और जब कार्य सुंदर हो जाता है ना, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब अपना पैशन मिशन हो जाएगा ना तो जिंदगी सुंदर हो जाएगी। अपना पैशन अपना मिशन होना चाहिए और वही अपना कार्य होना चाहिए। बहुत बड़े लोग मैंने देखे, एक महान महान डॉक्टर थे, बहुत महान डॉक्टर, साइंटिस्ट से भी बड़ा उन्होंने पदवी लिया था और वो बहुत बड़े सर्जन थे, जग के नामचीन सर्जन थे। और वो सर्जन 75वीं साल में उन्होंने एक पार्टी रखी, उनका 75वीं हो रहा था और उस पार्टी को नाचते गाते हुए सब लोगों को वहीं से वो निकल गए।
बहुत लोगों ने ढूंढा कहां है कहां है। 5 साल के बाद पता चला कि वो एक राज्य में जाके संगीतक, बहुत बड़ा संगीत शास्त्र को एक संगीतकार बन गए थे। क्यों? सर्जन बनना तो हर एक का सपना है, संगीतकार क्यों बने? वो अपना नहीं जी रहे थे, सर्जन तो उनकी पैशन था नहीं, उनके रोजी रोटी थी, उनका पैशन संगीत था। कितने लोग ऐसे हैं आज मुझे बताओ, 150 करोड़ का हमारा देश है, कितने लोग हैं ऐसे, कितने लोग हैं जो अपना पैशन नहीं जी पाते हैं? मैं एक छोटी सी सलाह दूं, रोजी रोटी के लिए 8 घंटा काम करो, जरूर करो, अपना परिवार घर सबको खुश रखो, लेकिन अपने लिए 2 घंटा जरूर देना। 1 घंटा आप मेडिटेशन करना और 1 घंटा आप पैशन जीना। कल कभी नहीं आएगा भाई और बहनों, कल आने के अगर सोचोगे ना तो जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन कल नहीं आएगा। आज जीना है जो आज करो, अभी करो और शुरू करो। इसीलिए कल करे सो आज, आज करे सो अभी, अभी करे से शुरू करो। यही तो कार्य है, यही तो जीवन है। आज का मैं साई वाणी का एक महत्वपूर्ण संदेश आपको आखिरी में देना चाहता हूं। वो संदेश बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। पहली कहानी मैंने आपको बताई, दूसरी कहानी में मैंने आपको बहुत जोर से बताया कि रात को 2 बजे आके कौन उसके फेल पौधे तोड़ रहा था, कौन तोड़ रहा था, वो खुद ही तोड़ रहा था। इसका मतलब हमारे जीवन में भी यही हो रहा है, हम हमारे सिद्धांतों को खुद तोड़ रहे हैं और बाद में चिल्ला रहे हैं कि ये मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है, वो मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि तूने उसके साथ कभी ना कभी ऐसा बिहेवियर किया है, व्यवहार किया है। यही तो फर्क है, दूसरों से अपेक्षा करना अच्छा है पर हम अपेक्षा ना करें, ये कौन सी बात हुई भाई? ये तो गलत है। मैं भारत के सभी मेरे साई बाबा के भक्तों को और शिष्यों को कहना चाहता हूं, आज जिंदगी में 2 वचन साई बाबा के समझ लो, जो बोगे वही उगने वाला है। और एक सबसे बड़ा बात, कल ये जो है, मैं बहुत महत्वपूर्ण विचार आज दे रहा हूं, ये समझो आज, काल करे सो आज कर। कबीर महाराज कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी का समय की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है वो आज कर लो, और आज जो करना है उसे अभी कर लो, कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे? बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। सिकंदर को जब पता चला कि वो एक दिन में मरने वाला है, तो उन्होंने यमराज के सामने प्रणाम किया और कहा, यमराज जी मुझे 6 महीने चाहिए, मेरे कुछ सपने पूरे करने। यमराज जी ने कहा, तुझे समय नहीं मिलेगा। सिकंदर जी ने कहा, फिर एक और करिए, अपने परिजनों को पास बुला और कहा, जब मैं मरूंगा तो मेरा हाथ ऐसे बाहर रखो खुले, क्योंकि मैं जीना ही भूल गया हूं, मैं सिर्फ कमाता गया, मैं कमाता गया, मैं और बड़े की लालसा करते गया, लेकिन मैं जीना भूल गया। कितना करोगे आप, कितना भागोगे? मैं नहीं चाहता कि आप आलसी बनो, आप जरूर अपना करते हुए करो, पर अपने को भी समय दो। आज का मेरा यही सलाह है, साईं बाबा का संदेश है आपको। खुश रहना मतलब क्या? अपने जीवन में खुश रहना, अपनों को खुश करना, अपने भाई बहनों को, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने विचारों को, अपने राष्ट्र को, अपने विचारों को और समाज के प्रति कटिबद्धता लाना। आज का आखिरी संदेश है, मैं सबको प्रणाम करके कहना चाहता हूं, जियो लेकिन सोच समझ के। कर्तव्य के पीछे भागते भागते अपने लिए भी जीना सीखो, अपना पैशन जीना सीखो, और आध्यात्मिक जीवन की क्रांति से अपने विचारों को आगे लेके जाओ। यही साई वाणी का आज का संदेश है, जीते समय अपने को भी ध्यान दो और अपने कार्य को भी ध्यान दो, अपने पैशन को भी जियो और अपने समाज में एक अच्छा नागरिक, अच्छा सुजान नागरिक बनने का प्रयास करो। इसलिए साई वाणी का यही कार्यक्रम है कि साई ध्यान करो, साई क्रिया करो और साई वाणी के मेरे विचार हर दिन सुबह आस्था चैनल पे आके सुनो, क्योंकि आस्था भजन ही अपना जीवन है और साई वाणी ही आपका अभी कार्य है। यही कह के मैं आज आखिर में इतना ही कहना चाहता हूं, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। प्रणाम।